तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आपको पता होगा गॉडलाइक के ओनर कुछ दिनों पहले बताए थे कि अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो फिर लाइनअप में दोबारा से कुछ चेंजेस किए जाएंगे। एंड कल नियो भी इसी टॉपिक पर बात करते हुए बताते हैं कि जो भी प्लेयर ज्यादा चोक कर रहा होगा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिस पर की गेम्स भी रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि मे बी हमें अब फर्स्ट लैन तक लाइनअप में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड रिगार्डिंग शैडो एंड घातक, कमलजीत पाजी अपने रिसेंट स्ट्रीम में कुछ बात करते हैं, तो वो क्लिप आप देखिए। नहीं भाई, देखेंगे स्काई के बाद अगर गाइस, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया ऐसे चुपते चुपते। स्काई के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो बोला सिंपल, जो अच्छा खेलेगा वो रहेगा, जो नहीं खेलेगा वो फिर देख लेंगे उसका। हाँ, ये तो फ्रंट एंड भाई ने भी बोला था, फ्रंट भाई ने भी बोला था पता नहीं अभी भाई, देखते हैं अभी स्काई के लाइन के बाद गाइस चेंजेस तो भाई और उसके बाद ही शायद हो सकता है चेंज, क्योंकि आसपास ही रहेंगे दोनों लैंस जहाँ तक है, तो उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे ख्याल से। कोई भी अभी मैं नियो के देख रहा था, चैट देख रहा था, शैडो को लोग बेमतलब का भर रहे, इतना भरते आ रहे जस्ट बिकॉज हाँ उसकी गलतियाँ हो रही है कि वो बार बार जाके मर तो रहा है, पहले समझी वाली बात है। बट ऐसे प्लास्टिक फैंस है कि जो मतलब सीधा यार गालियाँ दे रहे, यार क्रिटिसाइज तक ठीक है, गालियाँ देना नॉट कूल। बस ये बोल दो गाता गॉडलाइक में ही है, यस ही इज स्टिल अ पार्ट ऑफ गॉडलाइक, यार कहाँ जा रहा हो। सो गाइस, आपको पता होगा क्लच गॉड भी रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, इट मींस अब वो भी लाइनअप में खेलने वाले हैं। सो होप कि गॉडलाइक जल्दी ही अपना प्रॉपर कमबैक कर लें। एंड आज लैंड में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेट मी नो बिलो इन कमेंट्स। एंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।